और अभी तक का ड्राइव तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। क्या शुरुआत हुई है, वाह। मैं अभी यहाँ पे वेट मोड एक्टिवेट कर रहा हूँ, और वेट मोड एक्टिवेट हो गया है। सो देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है वेट मोड की वजह से। क्या ये सिर्फ एक गिमिकी फीचर है कि सच्ची में कुछ फ़र्क पड़ता है, वो हम देखेंगे अभी। तो जब पहली बारिश होती है तब सड़क पे जो ऑयल वगैरह जो ट्रक्स और व्हीकल्स जो छोड़ जाती हैं वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है और एक डेडली मिक्सचर बन जाता है, जिसकी वजह से पहला हफ्ता होता है जब बारिश शुरू होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है यूजुअली। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी इस एरिया में रेगुलरली बारिश नहीं गिरी है पिछले कुछ हफ्तों में, तो ये एक्चुअली एक बहुत ही स्लिपरी सरफेस है अभी, ये मेरा अजम्पशन है। और इस पे वेट मोड पे थोड़ा सा व्हील्स को पावर कम करके ये गाड़ी मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैनेज कर रही है, पर चलाते वक्त ऐसा कुछ खास डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। ये गाड़ी खुद से व्हील्स में पावर थोड़ा सा कम करके फ्रिक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, आपको इसका बेसिकली शायद समझ में ना आए कि ऐसा हो रहा है, और आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस में इसकी कोई खास बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। हल्का सा थोड़ा सा आपको टॉर्क कम लग सकता है बस। और पहली बारिश में कैसा लग रहा है नई सफारी में? बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, एंड आई फाइनली बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्रैवल में इतना टायर्ड फील हुआ जितना मुझे जनरली होता था। आई थिंक दैट्स फॉर द कार स्कोर। बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, और रेन सेंसिंग वाइपर्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सनरूफ में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें। ऊपर से जो ड्रॉप गिर रहा है बारिश का, तो अभी हमने गाड़ी रोक दिया है और बहुत ज़ोर से बारिश गिर रही है, तो आई डोंट नो कैमरे में मैं कैप्चर कर पाऊँगा कि नहीं, पर इस गाड़ी का जो अंदर का जो रेन का नॉइस है वो कितना आ रहा है मे बी आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाओ। और अभी तक मेरा रेन में ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस गाड़ी के साथ। पीछे की भी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, पीछे का जो वाइपर है वो भी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, और कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक। और मैंने जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लिया है, और लाइटनिंग भी गिर रही है। अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में बारिश बहुत रेयरली गिरती है, और स्पेशली हम लोग मुंबई से आ रहे हैं वहाँ तो इतनी गर्मी है, और इट्स अ वेरी बिग रिलीफ। एंड नई सफारी में पहला लॉन्ग ड्राइव पे इतनी ज़ोर से बारिश का गिरना, इट्स अमेजिंग। आई डोंट थिंक वी कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। दोस्तों हमें इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और इस साल अगर कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए तो हम लोग एक्चुअली बहुत सारे ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं।
स्पीति वैली हमें जाना है, हमें कश्मीर भी हमारे माइंड में है, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ में हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। उम्मीद है हमारे देश में कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा ईज हो जाए और चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी क्रूज मोड ऑन में रखा हुआ है, 99 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ा हुआ है और मेरा जो पैर है वो एक्सीलरेटर पे नहीं है और गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही है। तो जैसे ही मैं ब्रेक पे पैर रखूँगा, क्रूज मोड से गाड़ी निकल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली मेरे पास ये बटन है जो मैं प्रेस कर सकता हूँ, जो क्रॉस वाली, ये वाली, जिससे क्रूज मोड से हम बाहर निकल सकते हैं। तो फिलहाल 20 जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स तक मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं गाड़ी क्रूज मोड पे ही मैंने रखी हुई है। इनफैक्ट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मैं भूल गया था कि इस गाड़ी में क्रूज मोड है, इसलिए ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर मैंने ऐसे ही चलाया नॉर्मली। अब मुझे लास्ट के जो 40 किलोमीटर में याद आया कि क्रूज मोड मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मैं अब आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही एफर्टलेस है, मैं बिल्कुल भी एक्सेलरेटर पे पैर नहीं दे रहा हूँ और गाड़ी अपने आप चल रही है। मुझे अगर ये क्रूज मोड से बाहर निकालना होगा तो जस्ट थोड़ा हल्का सा ब्रेक पे पैर डालना होगा और अपने आप फिर गाड़ी नॉर्मली चलने लगेगी। तो ये एक बहुत ही कूल फीचर है टाटा सफारी में और अभी तो मैं और ज़्यादा यूज़ करूँगा इस फीचर को। आई थिंक इस पर्टिकुलर फीचर की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मैं 10 out of 10 दूंगा, कोई कंप्लेन नहीं है और ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर होगी गाइस आपके, जब जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फीचर होगी। एंड ये इसका एक मेन फीचर है इस गाड़ी का, हालांकि आजकल बहुत सारी गाड़ियों में आती है पर यहाँ पे मुझे इसकी एग्जीक्यूशन अच्छी लगी। तो गाइस हम लोग हैदराबाद सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये ट्रिप एंड होने को आया है। अप्रॉक्सीमेटली कुछ 730 किलोमीटर हमने कवर की है और पूरा नेविगेशन हमने इस मैप से ही किया है। एप्पल कारप्ले यूज़ किया है हमने और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक इस गाड़ी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने इस ड्राइव पे एक्सप्लोर किए हैं और हर चीज़, इनफैक्ट हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ट्रिप में हम वेट मोड एक्सपीरियंस करेंगे यूज़ करने का, वो तक हमने कर दिया। और क्रूज़ कंट्रोल मैंने किया, रेन सेंसिंग वाइपर देख ली मैंने इसका और नेविगेशन एक्सपीरियंस भी मैंने देख लिया इसका। आई थिंक बहुत ही मुझे तो परफेक्ट साइज लगा, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है। मैं अगर अभी इमेजिन करूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन अगर होगा तो इट समटाइम्स इट कैन बी रियली डिस्ट्रैक्टिंग टू ड्राइव, क्योंकि आप नज़ारों का एंजॉय करना चाहोगे, आप सड़क पे देखना चाहोगे ड्राइव करते वक्त। तो ये जो स्क्रीन का साइज है ये मुझे परफेक्ट लगा उस एंगल से और कोई नेविगेशन में तकलीफ नहीं रही लगी हमें और इनफैक्ट किसी भी फीचर में हमें कोई भी तकलीफ नहीं लगी इस गाड़ी में। गाड़ी चलाने में कोई थकान नहीं महसूस हुई, गाड़ी में बैठने में कोई थकान महसूस नहीं हुई, बहुत ही स्मूथ ड्राइव था, नो हैसल, जो भी मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर है। तो मैं आपको इसकी एम्बिएंट लाइट स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा कलर दिया है इन्होंने एम्बिएंट लाइट का, इस गाड़ी के कलर को मैच हो रहा है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे के सीट्स में भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल आई थिंक इसकी जो एम्बिएंट लाइटिंग के जो छोटे छोटे जो इन्होंने दिए हैं, आई थिंक ये लाइट का जो कलर का चॉइस काफ़ी मुझे अच्छा लगा और थोड़ा बहुत एक अच्छी फील देता है गाड़ी के अंदर। साथ में थोड़ा सा मे बी यूटिलिटी भी कहीं ना कहीं पर्पस सर्व करता है। हालांकि अगर ये लाइट नहीं भी होता तो भी हमें
ये तो पता होता ही कि विंडो को नीचे करने का बटन कहाँ पे है, पर एक अच्छी सी फील देता है। इनफैक्ट लगेज निकालते वक्त मैंने देखा कि यहाँ पे ये एक लाइट भी है। तो फाइनली गाड़ी पहुँच गई है हैदराबाद में।